चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन प्रेस करें। पर समंदरों में गिरने वाले शेर ये है, मालिक का मदन छोड़ देते हैं कि जिसको मिल जाए उसका मारी मिल जाए वो खा ले, क्योंकि उनको परवा नहीं रहती कुछ गया जो चले जाने तो इसकी अहमियत नहीं। और शरीयत का एक मसला है, मालिक अगर अपनी मिल्कियत को अहमियत नहीं दे के छोड़ दे वो जिसको मिल जाए खा ले तो शरई मुजरिम नहीं होता, मालिक की तरफ से इज्जत समझा जाता था। तो आपका खाना शरई तौर पर खिलाफ शरा नहीं था। मसला है मालिक अपनी रिजा से छोड़ दे किसी चीज को, जिसको मिल जाए वो खा ले, इस नियत से छोड़ दे तो जिसको मिले खा ले तो मालिक की तरफ से इज्जत समझा जाता था। इस पे कोई पक्का नहीं। अब इन्होंने देखा ये जिसको मैंने अहमियत नहीं देके छोड़ दिया है समंदर में चलाने के बजाय, ये खाकर माफी चाहना चाहते हैं, कोई मामूली हल्की नहीं है, कोई अल्लाह की इंतहाई मुसर्रत बंदे हैं, तभी तो इतना खौफ दिल में रखते हैं। इसलिए इन्होंने बेहतर समझा कि इसी पाकीज़ा हस्ती हमारे साथ रहे, सोहबत की खातिर इन्होंने भी इनकी चांद के लिहाज से कहा मैं ऐसे ही नहीं माफ करूंगा, 12 साल तक मेरे बाप की बागबानी करना पड़ेगा तब मैं माफ करूंगा। वो जानते थे कोई सजा ऐसी नहीं हुआ करती, ना ये कोई जुर्म है जिसकी सजा दी जाए, ये जानते थे अल्लाह का दोस्त है, बागबानी के नाम से इनकी सोहबत में रहा, एक पाकीज़ा हस्ती की सोहबत मिल जाए, एक अल्लाह के मुकर्रर बंदे, हम मिजाज ये भी मुकर्रर वो भी मुकर्रर, ये असल जज्बा था। तो 12 साल खिदमत के लिए कहा, अब आम आदमी होता तो क्या कहता, चलो सेठ साहब एक सेब के लिए 12 साल, तुम्हारे एक नहीं 1 किलो सेब लाकर मैं दे दूंगा, ये सब बातें छोड़िए छोड़ देता हूँ, माफ कर दीजिए, मैं तो माफी चाह लो नहीं माफ करते, कयामत में ना अल्लाह से कुछ भी खर्च करो माफ करा, ये होता। लेकिन इनका खौफ देखिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा जान का, हेलो, एक शेर की माफी के लिए 12 साल की खिदमत के लिए राजी हो गए, 12 साल खिदमत करना पड़े तो खिदमत करूंगा लेकिन मुझे शेर माफ हो जाए। फिर इतना ही नहीं और कहते हैं ये हो जाने दो, फिर और एक शर्त है वो पूरी करे तब माफ करूंगा, तो कहा ठीक है वो भी पूरी कर दे। पूरे 12 साल बागबानी करते रहे, उसके बाद कहा देखिए मैं 12 साल खिदमत कर चुका मुझे माफी दीजिए, कहा नहीं और एक शर्त बाकी, कहा वो क्या, मेरी एक लड़की है वो अंधी है बहरी है गूंगी है लुल्ली है लंगड़ी, पूरे आयमा बता दिया, ऐसी मेरी लड़की है उससे निकाह करना पड़ेगा तो माफ करो। अरे कोई दूसरा आदमी सुनता तो घबरा जाता, निकाह क्या जाता है कोई सहूलत हो राहत हो तो मुश्किल है, सुबह शाम इनको देखते रहो, आपने कान नहीं सुनने को नहीं आता क्या मुश्किल होगी, बोलने भी नहीं आता आदमी काम नहीं कर रहे पैर भी नहीं, ऐसी लड़की से निकाह, अजी हजरत 12 साल खिदमत कर दिया और क्या है कुछ भी कर दिया। लेकिन हुजूर गौसे पाक के अब्बा का तखवा देखिए खौफ इलाही देखिए, कुछ भी लड़की होने दो उसके लिए भी मैं निकाह के लिए तैयार हूं मगर मेरा कसूर माफ कर दीजिए। तो हुआ निकाह, अब वो लड़की को घर में जाके देखे तो आंख सलामत है कान सलामत है जबान सलामत है हाथ सलामत है पैर, अल्लाह ने बेमिसल हुस्न व जमाल अता फरमाया है, तमाम कमालात की जामे बनाया है, ये देखिए तो घर के बाहर आ गया। तो आपके नाना जान समझते थे गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के क्या ये तखवा वाले हैं, मैंने कहा था लंगड़ी लुल्ली समझ गया होंगे कोई लड़की बदल गई, बोल क्या कहा क्यों क्या बात है घबराए नजर आते हैं, तो कहा लड़की बदल गई, आपने जिस लड़की से मुझे निकाह करना चाहा वो लड़की नहीं कोई दूसरी लड़की नजर आती है। तो गौसे पाक के नाना ने कहा नहीं
मैं जिस लड़की की बात कर रहा था यही है। तो कहा तुमने तो काम दी लंगड़ी लुल्ली क्या क्या बोले थे, वो तो सही सलामत है, अल्लाह ने तमाम ऐबों से साफ सुथरा रखा। तो कहा सुनो हाँ वैसे ही साफ सुथरी है मेरी लड़की। मैंने अंधी इसलिए कहा आज तक इसने गैर शरई नजर नहीं डाला किसी आदमी, आज तक शरीयत के खिलाफ कोई बात सुना नहीं है, इसलिए बहरी कहा आज तक खिलाफ शरीयत कोई बात बोली नहीं है, इसलिए गूंगी कहा है आज तक खिलाफ शरा कोई हाथ से काम नहीं की, इसलिए मैंने लुल्ली कहा है आज तक किसी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई है, इसलिए मैंने लंगड़ी कहा है। तो हजरत खुश हुए, अल्लाह का करम है एक मुत्तकिया परहेजगार वलिया अल्लाह ने अता फरमाया। तो मुअद्दस सामने किराम देख रहे हम अब्बा जान की शान वो है, अम्मी जान की शान ये है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मी जान भी वली है कामिला है, आपके अब्बा जान भी वली है कामिल है, गौसे आलम रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसे पाकीज़ा हस्तियों के शहजादे है, अल्लाह ने तो इनको वलियों का सरदार बना दिया है। तो खानदान बेमिसल, खानदानी हैसियत से भी बेमिसल, ज़ोहद व तक़वा के इत्तेबार से भी बेमिसल, खुदा की ज़ात बाबरकत ज़ोहद व तक़वा के आला मर्तबे पर कायम है। अब दूध पीते आलम में ये हैं तो बताओ आगे चलकर तक़वा व ज़ोहद का क्या आलम होगा। अभी आप कम उम्र थे, आपके अब्बा जान का इंतकाल हुआ, आप अपने अम्मी जान और नाना जान की तरबियत में रहे, अपने नाना जान के पास ही कम उम्र में हाफिज़े कुरान भी बन गए, इब्तदाई तालीम भी हासिल किए, अम्मी जान और नाना जान से मिलकर इब्तदाई तालीम पाए हाफिज़े कुरान भी बन गए हैं। अब जब 18 साल की उम्र में पहुंचे तो आपको ख्याल हुआ कि शरीयत की आला तालीम हासिल होना चाहिए, इसलिए अम्मी जान से इजाज़त लिया आपने, लेकर बगदाद शरीफ में एक मदरसा था मदरसे निज़ामिया, कहा अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए वहाँ एक बड़ा मदरसा है वहाँ शरीयत की आला तालीम पाएंगे। तो अम्मी जान ने जब शरीयत की तालीम का नाम सुना, अल्लाह और रसूल के इल्म की बात सुनी, बावजूद देखिए बेटा इस वक्त कई मुश्किलात का जरिया दूर करने का जरिया बनता है, मदद का सबक बनता है, लेकिन आपने हर तकलीफ को बर्दाश्त करने को गवारा किया, अपने नूर नजर लखते जिगर दिल के टुकड़े को आपने इल्म शरीयत के लिए जाने की इजाज़त दे दी। 18 साल की उम्र थी, अब क्योंकि वो जमाना लुटेरों चोरों का था, जंगलों में पहाड़ों में चोर छुप के रहते थे, डाकू छुप के रहते थे, जैसे कोई गुजरता सफर करते थे उसका माल लूट लेते थे, इसलिए लोग डर के चोरों से डाकुओं से काफिले के काफिले एक साथ जाते थे। तो एक काफिला जा रहा था बगदाद शरीफ, तो हुजूर गौसे पाक के अम्मी जान ने कहा ये काफिला जा रहा है तुम भी इनके साथ हो जाओ, ये तिजारत के लिए जा रहे हैं इल्म दीन हासिल करने चलो। और आपके बगल के अंदर 40 अशरफिया एक कपड़े को पेवन लगा कर सीधी अशरफिया रख के ऊपर से कपड़ा लगा के सीधी, कहा ये तुम्हारे काम आएगा खाने पीने के लिए बगदाद शरीफ में। अब ये काफिले के साथ हो गए, मगर एक नसीहत क्या बेटा कैसी भी मुसीबत आए छूट नहीं हुई। तो आप चले काफिले के साथ जाते जाते जैसा वो तरीका था उनका दौर का, बस डाकू आए सबका माल लूटना शुरू कर दिया। अब ये खाली हाथ नजर आने लगे तो डाकू ने पूछा तुम्हारे पास क्या, कहा अशरफ या कहाँ का बगल के अंदर से लिखाए नौजवान उनसे मजाक कर रहे हैं, बल्कि जाके सरदार का है नौजवान उनसे मजाक कर रहा है। वो डाकू के सरदार आए आकर कहा बेटा तुम्हारे पास क्या है, अशरफ या कहाँ है बगल के अंदर से ले गए, हमसे मजाक करते हो, मजाक नहीं सच कहते हैं। तो कहा निकालो इनका पुरता, निकाल के वो पेवल को खोला गया, अंदर वाकई में 40 अशरफिया निकल गए। तो डाकुओं के सरदार ने कहा तुम जब इतना महसूस तुम्हारे बड़ों ने कर दिया था, हम डाकुओं से डर कर ही क्या था ताकि हम देख सके नहीं लूट सके नहीं, तुम खामन बढ़ जाते कुछ नहीं बोलते कुछ भी नहीं है तो बच जाते थे, क्यों रास को फाश कर दिया। उन्होंने कहा बहुत सपा कर लो, कहा मैं जब घर के बाहर निकल रहा था तो मेरी अम्मी जान ने नसीहत किया बेटा
कैसी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, मगर झूठ नहीं बोलना, हर वक्त सच बोलते रहे। मैं अपनी अपनी जान की नसीहत को रद्द नहीं कर सकता था, झूठ नहीं बोल सकता। सुनना था डाकुओं के सरदार खौफ से कांपने लगे और दिल में कहने लगे, एक बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इतनी बड़ी उम्र पा गया हूँ, आज तक मैं रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहा हूँ, कायनात के खालिक व मालिक की नाफरमानी कर रहा हूँ, जबकि एक लड़का अपनी माँ की भी नाफरमानी करने के लिए तैयार नहीं है। खौफ हुआ, चीख मार कर कहा, हाथ आगे बढ़ाइए। मौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ आगे बढ़ाया तो अपना हाथ रखे, कहा मैं आपके हाथ में हाथ रख के वादा करता हूँ, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, ये डाका दली भी छोड़ दूंगा, दीगर नाफरमानी भी छोड़ दूंगा, रखी ताक में जिंदगी गुजारूंगा। तौबा की आपके हाथ मुबारक पर, जैसे डाकों के सरदार को तौबा करते हुए देखा, सारे डाकों ने उनके साथ तौबा की, अभी जा रहे हैं तो लोग गुनाहों को गुनाहगारों को वली बनाते हुए गुजर जा रहे हैं। आपकी नसीहत के बाद उस डाकों के सरदार को अल्लाह ने उस उन तमाम डाकों का जो अब तक डाकू थे उन सबको वली बना दिया और सारे गुरुओं का सरदार इन्हें बना दिया। सरदार को अब तक डाका दली की सियादत करते थे, अब विलायत की सियादत करते नजर आते। अम्मी जान की नसीहत पर अमल करना, सच कहना, और फिर वो भी गौसे पाक के दुबान से सच्चाई का निकलना, इनके दिलों पर ऐसा असर किया तौबा कर गए, गुनाहों से बाद आ गए। अभी गौसे आलम जो गुजर रहे हैं तो इस तरह शरीयत मुतहरा के पाकिदा तालीमात को चमकाते जा रहे हैं, आगे चलकर क्या होगा हम उसको समझ सकते हैं। आप उन्होंने लूटा हुआ माल भी सबका सबका लौटा दिया आपकी सच्चाई की बरकत से। फिर आ गए निजामिया मदरसे निजाम, उससे पहले आ गए और एक दीनी मदरसा था, उसमें कुछ साल आपने दीनी तालीम पाए, बड़े बुजुर्ग का ख्याल कर रहा, उसके बाद फिर बहुदा शरीफ किए, जामे निजामिया मदरसे निजामिया मदरसा है, हैदराबाद दक्कन में भी जामे निजामिया है, इसमें गौसे पाक के गुलाम तालीम पाते हैं, वो मदरसे निजाम है जिसमें गौसे पाक पाते हैं, उसका नाम भी मदरसे निजामिया है। निजामुद्दीन एक बड़े बड़े उन्होंने तालीम खर्च किया, तालीम ये होना चाहिए, इसलिए उनकी तरफ मनसूब करके और दरसे निजामी कहा जाता है, बुजुर्ग का मन तैयार जाता है निजाम है। खासतौर पर बुजुर्ग गौसे पाक ने 8 साल तक तालीम पाया मदरसे निजामिया, उससे पहले कई साल और एक मदरसे में तालीम पाए, और आप फिका के इल्म में, तफसीर के इल्म में, हदीस के इल्म में, अरबी अदब के इल्म में, नहू सर्फ वगैरह इंतहाई कमाल तक पहुंचे, माखूलात का इल्म हो या मनकूलात का, तमाम उलूम के आप जाने बन गए, और अपने जमाने में बेमिसलो इख्तिताब है इल्म में। आप हैं अजम के रहने वाले, ईरान का एक कस्बा है जीलान, वहां पैदाइश है आपकी, इल्मे दीन हासिल करने अरबी शहर बगदाद गए, वहां से अरबी पैदाइश है, अरबी रहते हैं, अरबी लोग हैं आप अजम के, बावजूद वो अरब के होने के हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु में इतनी इल्मी सलाहियत आ गई आपकी इल्मी जलालत के सामने, अरब के उलमा भी खुद आपसे फैज पाते हैं, आपकी फसाहत और बलागत को देखकर आज दंग रह जाते हैं। एक गैर अरब में रहने वाला फर्द, हम अरबियों से ज्यादा बेहतरीन अरबी, अरबी बलागत फसाहत में कोई मिसल नहीं, वो शान अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। क्या दंग देते तो उस जमाने में छोटी छोटी महफिलें होती थी, उस जमाने के लिहाज से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की महफिल 70,000 इससे ज्यादा की कम से कम होती थी, वो महफिल तमाम महफिलों में सबसे बड़ी समझी जाती, उसमें जो आवाम ही नहीं होते, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा होते, तकरीबन सीरत की किताबों में लिखा है 400 उलमा, वो कोई मामूली नहीं हुआ, उस जमाने के इंतहाई जलील खद्र बड़े दर्जे के उलमा, एक से पढ़कर एक तफसीर हदीस फिका के माहिरीन हैं,
वो भी दवा तो कलम लेकर बैठते थे, हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के कलिमात को लिखने के लिए। क्या वजह क्या है? आपको अल्लाह ने दोनों किस्म के उलूम दिया था, एक मेहनत करके हासिल करने वाला, एक अपनी तरफ का भी इल्म दिया। किताबों में तो जो है वो मेहनत से हासिल किया जा सकता था, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़बान मुबारक थे, बस वो कलिमात निकल जाते जो किताबों में नहीं मिलते थे। उनको लिखने के लिए बड़े बड़े उलमा दवा तो कलम लेकर बैठते थे, तकरीबन एक एक महफिल में चार चार सौ उलमा बैठते थे। आपने इल्म शरीयत की तकमील की, इल्म तरीकत की तरफ मुतवज्जे हुए, इल्म मारिफत की तरफ मुतवज्जे हुए। इल्म मारिफत शरीयत ही में तरक्की करने का नाम तरीकत। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बल्कि फरमाते हैं, जो तरीका शरीयत के खिलाफ हो, तरीकत में दीन से दूर रहने वाला गुमराही, आपने सख्ती से मना कर दिया शरीयत और तरीकत को अलग रहने से। कहा शरीयत ही में निखार पैदा करने का नाम तरीकत है, शरीयत ही में तरक्की करने का नाम तरीकत है। आपने कहा है दो अलग नहीं है। एक बड़े बुजुर्ग ने अपनी खिताब में फरमाया था, क्या शरीयत की मिसाल बालों की तरह, तरीकत की मिसाल मान की तरह। बाल में मान निकालेंगे तो उसमें जमाल पैदा होगा, तो बाल में मान निकाली जाती है। बाल शरीयत की तरह, मान तरीकत की तरह, तो बाल है तो मान निकलेगी, बाल नहीं तो मान कैसे निकलेगी। तो शरीयत है तो उसमें तरीकत हासिल होगी, बेशरीयत के तरीके से हासिल जाता है। ऐसे ही हमारे उस्ताद मोहतरम, उस्तादों के भी उस्ताद हजरत जो सैयदी ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने, आप फरमाते थे कि शरीयत की मिसाल दूध की तरह है, ये तरीकत की मिसाल है। भाई शरीयत हकीकत मारिफत वगैरह हम सुनते ना, उसकी मिसाल कैसी है? मस्का घी वगैरह की तरह, दही मस्का घी। दही किससे निकलता है? दूध से। मस्का किससे निकलता है? दूध से। घी किससे निकलता है? दूध से। दूध ही से ये सब चीजें पैदा होती है। दूध जब खूब औंटा जाता है तो इसमें कमाल पैदा होता है। तो जिस तरह दूध ही से मस्का मलाई घी वगैरह है, इसी तरह शरीयत ही से तरीकत बगैर दूध के घी मस्का मलाई नहीं है, बगैर शरीयत के तरीकत मारिफत नहीं है। शरीयत ही में भी, शरीयत ही में बर्बाद करने का नाम तरीकत है। तो आपने उन उलूम के साथ मारिफत की तरफ मुतवज्जे हुए जो शरीयत ही में कमाल हासिल करने का नाम है। मुअज्जज साहब ने कहा, आप बड़े बड़े मुखर्रबीन से इल्म शरीयत तरीकत हासिल फरमाए, आपके शरीयत के उलमा भी बेमिसल है, तो तरीकत के उलमा मुर्शिदीन कामिल भी बेमिसल है, लेकिन आप इल्म में भी अपने असातिज़ा से बढ़ गए तो तरीकत में अपने पीरों से भी बढ़ गए। खुद आपसे आपके असातिज़ा पीराने तरीकत फैज पाते थे, अल्लाह ने वो शान आपको अता फरमाया। एक मरतबा का वाकया है, आपके जमाने में बहुत बड़े मुहद्दिस रहते थे, एक बड़े मुहद्दिस रहते थे। बड़े मुहद्दिस हदीस के इल्म का इतना मजबला था, उसके शुरुआत उसके बारीकियां उसके असरार में माहिर किया, और हदीसों की सनद में तनकीद करने में आपका कोई मिसल नहीं। कोई हदीस सुनते ये हदीस सही है ज़ईफ़ है कमजोर है, उसको बहुत जल्द पहचान लेते थे, माहिर थे उसके, फौरी नजर डाल के कहते थे ये इस हदीस की सनद में फुला फुला शब्द है, जिसकी वजह से हदीस नाकाबिल अमल है, कमजोर है, ज़ईफ़ है, बहुत माहिर। आपने हदीस का इतना काम किया, हदीस को इतना लिखा कि पहले लकड़ी के कलम बनाए जाते थे उससे लिखा जाता था, बारूद का कलम बनकर क्या नंबर के उससे लिखते थे। आपने जो कलम बनाने के लिए छिला जाता है लोग को, इतना लिखा कि सिर्फ कलमे बनाने में जो लकड़ी का बूरा जमा होता है इतना जमा हो गया था। आपने नसीहत फरमाया मेरे इंतकाल के बाद किसी और लकड़ी से मेरा पानी गर्म ना किया जाए नहलाने का,
بلکہ میں احادیث لکھنے کے لیے جو قلم تراش تھا تو اس تراشے جو جمع ہو گئے ان تراشوں سے گرم کیا جائے تو اتنا تراشا جمع ہو گیا. اب کے انتقال کے بعد جب پانی گرم کیا گیا پورا گرم ہونے کے باوجود بھی تراشا باقی رہ گیا. اتنا علم ہے حدیث کا خدمت کی ہے سکھا ہے. اے بڑے جلیل الخضر عالم ہیں بڑے حدیث ہے. حضور غوث اعظم کی محفل میں کئی علماء آتے تھے کئی بزرگان تھے. اب وہ حضرت ان کا نام حضرت سید ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ نہیں آتے تھے محفل میں. تو غوث اعظم کے ایک مرید نے کہا بڑے بڑے علماء آتے آپ کیوں نہیں تشریف لاتے غوث اعظم کی محفل میں. تو کہے بھائی میں پورے کتاب تفسیر حدیث کے دکھاؤں شریعت وہ جو کتابوں میں وہی تو بات بتائیں گے کوئی بھی وہی بتائیں گے. میں تمام کتابیں جو زمانے میں پڑھا رہا ہوں وہی تو بتائیں گے. تو کہا نہیں کا ایک مرتبہ محفل میں چلیے تو صحیح نہیں. تو آپ کے مرید نے کہا تو آپ تشریف لائے. لانے کے بعد خالی نے قرآن پڑھا جو طریقہ تھا ہماری محفلوں میں بھی ہوتا ہے. جلد کتاب سے پہلے خیرات ہوتی ہے کلام اللہ چلے پر قتل پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھا گیا کچھ آیات تلاوت کی گئی. پہلی آیت جو قاری نے پڑھا اسی کی آپ نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا. تو آپ کے بری بات میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابن جوزی بڑے محدث کی رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ نے آیت کی تفسیر بیان کی. پہلی تفسیر یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے چوتھی یہ ہے پانچویں آیت کی کئی کئی تفسیر بیان کرتے چلے. 13 تفسیر تک بیان کیے. ان کے مرید نے کہا کیا آپ بھی اس کا علم رکھتے ہیں؟ تو کہا ہاں میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں اس کا بھی. 13 تفسیر بیان کرتے رہے تو ابن جوزی رضی اللہ بولتے رہے اس کا بھی علم مجھے ہے اس کا بھی علم ہے اس کی بھی تفسیر مجھے معلوم ہے یہ بھی میں دیکھا ہوا ہوں یہ بھی پڑھا ہوا بولتے رہے. اب غوث اعظم کہا اس کی 14 تفسیر یہ ہے 15 یہ ہے 16. تو آپ کہتے ہیں یہ تفسیر میرے نظروں سے نہیں گزری. چوتھی کو کہاں نہیں گزری چودھویں کو کہاں نہیں گزری پندرہویں کو کہاں. یہاں تک کہ آپ ایک آیت کے 40 تفاسیر بیان کر دیے ہر وقت کہا یہ بھی میرے سے نہیں گزری. تو آپ صرف تفسیر بیان نہیں کرتے تھے بلکہ جو تفسیر جس بزرگ سے منقول ہے وہ بزرگ کا نام بھی بیان کرتے جاتے تھے. تو ابن جوزی رضی اللہ عنہ بے حد پریشان ہوئے حیرت میں پڑ گئے کہ ہم زندگی گزار لی ہے کتابوں میں لیکن ان علوم سے ہم بے خبر ہیں جن کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑے فوجا کا دامن نہیں چھوڑے علماء علیہ سنت حضرت عزیز اللہ شاہ صاحب قبلہ. ابھی حیرت میں تھے ہی اتنے میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تک زبان قال چل رہا تھا اب ہم زبان حال کی طرف آ رہے ہیں. قال بولے تو زبان سے کہی جانے والی باتیں تھے حال بولے تو نگاہ ڈال کر عطا کی جانے والی. ابھی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ضرب لگایا لگا کہ توجہ کی تو یہ عالم ہوا حضرت سیدی ابن جوزی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر عالم انتہائی اعلی شان رکھنے والی ہستی اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے غوث پاک کے خدمت میں کہا یا سیدی یقیناً آپ کا کوئی مثل نہیں ہے جواب. اس طرح حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے علم میں وہ کمال عطا فرمایا. بغداد عربی شہر ہے لیکن عرب کے رہنے والے بھی حضور غوث پاک کے علم سے حیرت آپ علم کے اعتبار سے بھی بے مثل تھے تو اللہ نے عقل شریف بھی اعلیٰ عطا فرمایا فہم فراست سمجھ علم کے ساتھ عقل یہ بھی ضروری. بزرگوں نے فارسی زبان میں کچھ بزرگ کا قول نقل کیا گیا ہے ایک من علم کے لیے 10 من عقل بھی چاہیے تو آدمی صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے. 10 من عقل چاہیے ایک علم ایک من علم کے لیے فارسی زبان میں بزرگ کا قول نقل کیا گیا ہے. آپ اعلیٰ درجے کی سمجھ بھی رکھتے تھے آپ کے زمانے میں جبکہ آپ فتویٰ دینا شروع فرما دیے تھے
अजीब गरीब मसाइल पेश आते थे जहाँ दीगर उलमा हैरत में पड़ जाते, गौसे पाक उन्हें आसानी से मसला हल कर देते। मेरे कहने का मकसद आप इल्मे शरीयत इल्मे तरीकत दोनों में कमाल रखते थे। एक मरतबा एक वाक़ा पेश आया, एक शख्स ने कसम खा लिया, क्या अल्लाह की कसम मैं ऐसी इबादत करूंगा कि मेरे साथ पूरी दुनिया में उस इबादत में कोई शरीक ना रहे, अगर ऐसा नहीं कर सका तो मेरी बीवी को तीन तलाक। अभी बोलने को तो बोल दिए लेकिन बाद में परेशान है, वो कौन सी इबादत है मैं जो करूं तो मेरी बीवी तलाक से बच सकती है। नमाज पढ़े तो दुनिया में कई लोग इस वक्त नमाज पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं रोजा रखे तो कई लोग रोजेदार होंगे, एक से बढ़कर अल्लाह वाले हैं। हम तस्बीह तहलील तमजीद करेंगे तो कई तस्बीह करने वाले दुनिया में मौजूद हैं, हम कुरान की तिलावत करें तो कई तिलावत वाले मौजूद हैं। अखर करें तो क्या करें, हैरत ज़दा है। उलमाए किराम की दरबार में हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज करने लगे, हमने कहने को तो ये कह दिया है, कोई मसला निकालिए, हमारे बचने का कोई तरीका निकालिए, कोई ऐसी बात बताइए जिससे हमारी बीवी तलाक होने से बच जाए। सुबह ने कहा तुमने खाया ही ऐसी खत्म, कोई ऐसी इबादत नहीं कि तुम करो और दुनिया में कब कोई नहीं कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है। बीवी को आकर तलाक पड़ जाएगा, ऐसी परेशानी के आलम में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में इनको ले जाया जाता है। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे हजरत इन्होंने ये कह दिया है बचने की क्या सूरत है, बीवी को तलाक से बचने की क्या सूरत है, तो कहा ऐसा करो सीधे मक्का शरीफ ले जाओ और मता जितने लोग तवाफ करें थोड़ी देर के लिए सबको रुका दो, कोई तवाफ ना करे, इनको कहो जल्दी जल्दी सात चक्कर मार लो। ये जब सात चक्कर मारते होंगे पूरी दुनिया में काबा एक ही और वहां सब रुके हुए हैं, तो ये अकेले तवाफ करते रहेंगे, तवाफ में कोई दूसरा शरीक नहीं होगा। जब ये अकेले इस तवाफ में शरीक रहेंगे इनकी बीवी तलाक से बच जाएगी। बख्तिया पर जस्ता आपने जवाब दिया, ऐसे वहां ले जाया गया, सबको रोक करके वो तवाफ कराया गया, बीवी आसानी से बच गई। इस तरह आला दर्जे का फहमो फिरासत दिया अल्लाह ने अता फरमाया। इससे हटकर आपको अल्लाह ने मुख्तलिफ खूबियां कमालात दिया है। मुअज्जज़ अस्सलामु अलैकुम, आप इल्म में भी तक्वा में भी हर मामले में भी बेमिसाल हैं। जब ये तमाम कमालात देखकर अल्लाह ने आपको सारे वलियों का सुल्तान व इमाम बनाया है। बेशक अब मैं एक करामत आपकी सुनाकर अपनी बात समेट लेता हूँ। अल्लाह ने खुद जब अपना मुहर्रम बनाता है तो तसरुफ देता है, कंट देता है, करामत देता है। एक वाक़ा सुनाकर अपनी बात ना समझ लेता हूँ। आपके जमाने में कोई ताजी रहते थे, हमेशा शक करते थे आपके बारे में, लोग इन्हें सुल्तान रौलिया कर रहे, सैयदुल औलिया कर रहे, गौसे आज़म दस्तगीर कर रहे, क्या क्या अज़मतें बता रहे, वो भी हमारी तारीफ करते, वो नमाजें पढ़ते तो हम भी पढ़ते, वो रोजा रखते तो हम भी रखते। अब ये सोचने लगे इनको नहीं मालूम कि गौसे आज़म दस्ती मारिफत के किस मंजिल पर। हम नमाज पढ़ते हैं तो ख्याल दुनिया में गूंजते हैं और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की इबादत करते हैं तो रब के जलवे में गूंजते हैं। कितना बड़ा फर्क है इनकी दलालत चांद पे, इस तरह वो फर्क नहीं कर सके, अपनी तरह समझने लगे। अल्लाह ने जो इनके बड़े मुकाम की वजह से जो कमाला दिया वो भी नहीं समझ सके, छुपा रखते थे। तो एक मरतबा वो जंगल में तहारत के लिए जा रहे थे जरूरत के लिए, अचानक अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने समझा दो कि अजान हो रही, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के तहारत को बाद में जाएंगे ताकि नमाज की जमात ना छूट जाए। इस तरह आए आने के बाद बिल्कुल मिंबर के सामने ठहरे नमाज अदा करने के लिए, लेकिन अब की नमाज का मामला ऐसा था मस्जिद भर गई लोगों से, सहन भर गया, लोग बढ़ते चले गए। अब इतने में गौसे आलम दस्तगीर तशरीफ ला रहे हैं, लाते हुए मिंबर पर चढ़े तो इन्होंने समझा अरे आज मैं दोहर समझा था तो जुमा का दिन, अब खुतबा होना नमाज होना सब कहीं इतनी महफिल से मैं गुजरना, अब उनकी जरूरत में शिद्दत आ गई, ये परेशान हो गए, परेशान है। हुजूर गौसे आलम मिंबर से ही ठहरे ठहरे अपना रुमाल उतरे और इनके ऊपर अपना रुमाल उड़ा दिया तो ये क्या देख रहे हैं, जंगल में चले गए। सुभान अल्लाह, तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने वो कमाल दिया है
जिनके ख्यालात भी जानते हैं, ये कमाल भी दिया, मुसीबतों से बचाना भी जानते हैं। हिजा दिया मैं खरीफ ताला था, जरूरत से फारिग हुए, वजू बनाए, नमाज दो रकात तहियतुल वुजू के पढ़े, जैसे सलाम फेरे अपने चादर उठाया तो फिर मैं फिर मौजूद रहे। आप समझ गए, कोई मामूली बात नहीं है। मैं आम लोगों की तरह समझ रहा था गौसे पाक बैंक को, ये तो बड़े कमाल वाले, मैं तौबा कर लूंगा, माफी चाहूंगा, नमाज के बाद माफी चाह लिया। पहले तो शक करने लगे, कोई खाफ तो नहीं पड़ा, लेकिन देखिए अब तकलीफ बाकी नहीं रही, जरूरत की तो समझे हकीकत है, खाफ पड़ता तो ये तकलीफ खत्म नहीं होती, और वजू की तरी भी अभी तक बाकी है। फिर इसके साथ आपने देखा एक रुमाल हाथ में था, जिसको घर की चाबियां लटकी हुई थी, वो देखा एक झाड़ पे लटकाया उन्होंने, लटकाए और इधर वजू बना के इधर नमाज पढ़े। अभी वो चाबियां लिए नहीं, अपनी जो रुमाल साथ था वो लिए ही नहीं, इधर गौसे पाक में अपने चादर उठाया तो सीधा महफिल में आ गया, तो देखा मेरा रुमाल भी गायब है, उसको घर के चाबियां भी हैं। तो अभी समझे नहीं, ख्वाब नहीं हकीकत है, ये गौसे पाक की ताकत है रूहानी। अब इसके बाद इन्होंने दिल में सोचा कि माफ़ी चाहना चाहे, नमाज के बाद माफ़ी चाह लिया। उसके बाद इनको तिजारत के काफिले के साथ जाना था, चाबी बनाने वाले को बुलाए, घर की चाबी फल की लाए बनाए। इसके बाद अब चले काफिले के साथ, तो 16 दिन चलते रहे तो वो मुकाम आया जहाँ गौसे पाक ने एक शिकार, अब तो कहने लगे ये कोई मामूली बात नहीं, एक शिकर में 16 दिन तय करके हम पहुंचे हैं, एक शिकर में गौसे पाक का जमा पहुंचाया, तो अब यकीन, अब उनको इतना यकीन आया गौसे पाक की अजमत पर, इन्होंने कहा मैं तो माफी चाहता, अब तो जिंदगी भर गुलाम बनकर रह जाऊंगा। तो मुअज्जज़ा मैंने कहा ऐसे कई खूबियां कमालात अल्लाह ने आपको दिया था, अपने खुर्म की वजह से इंसानी असल दंग होकर रह जाए। अब मैं यही आखिरी एक हिस्सा सुनाना चाहता था ताकि गौसे पाक के कमालात आपको बताए। अल्लाह ने आपको इंसानों के साथ जिन्नात पर भी सियादत अता फरमाया था, जिन्नात तक आपके अहकाम की पाबंद इताअत क्या करते थे। लेकिन अब मैं अपनी बात सब खत्म करने से पहले मेरी आदत के मुताबिक सुबह को दूर करने का कुरान की आयत बयान करने का मेरा मिजाज है, हदीस या कुरान की आयत। अब यहाँ सुबह होता है, एक सिकंड में उतनी दूर ले गया, एक सिकंड में वहां से 16 दिन के रास्ते से लाया, ये तो अकल नहीं मानती। तो मैं आपको सैयद सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़ा सुनाता हूँ जिसमें आपने बिलकिस रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो यमन की मलिका थी, एक खत लिख के कहा तुम सूरज की परस्ती छोड़ो, अल्लाह की इबादत करना। तो वो लंबा किस्सा हुआ, एक मर्तबा ये है कि आपके पास बात करने आ रही थी, तो आपने अपने दरबारियों से कहा कौन है कि बिलकिस के तख्त को उसके यहाँ आने से पहले ला ले। अपने के सामने बादशाह थे, वो मुल्क यमन में हुकूमत करती थी, तो 7 महल के पीछे वो तख्त था, 7 महल को बड़े फल लगे हुए थे। आपने इरशाद फरमाया क्या मैं वो आयत पढ़ देकर उसका तर्जुमा कर देता हूँ, आप समझ लो जब ये बात कुरान से साबित है तो फिर गौसे पाक की अज़मतों में शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैं वो शक दूर करने के लिए आयत करीमा सुना रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है ये कौन सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महफिल से क्या कहा, महफिल में आपके जिन्नात भी बैठते थे, इंसान भी, परिंदे भी, अल्लाह ने सब पर हुक्मरानी दी, हदीये की हवा भी आपके हुक्म से चलती थी, इशारा दिया था अल्लाह ने, नबुव्वत भी दिया, बादशाहत भी दिया। अपने दरबारियों से कहा या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, अरे मेरे दरबार वालों कौन तुम में शान रखता है बिल्किस मेरे पास मुती फरमा पर दर बनकर आने से पहले उसके तख्त को मौजूद कर दे। ये उस वक्त फरमाया आपने जबकि सैयदा बिल्किस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के महल में दाखिल होने के लिए एक पर्सन का फासला रह गया था। सुभान अल्लाह, एक पर्सन की बात, अभी जब इस्लाम में दाखिल नहीं थी, बाद में इस्लाम में दाखिल हुआ। तो एक ताकतवर जिन कहता है قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنه عليه لقوي أمين
عفریت جن نے کہا حضور میں آپ کے اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت کو لا سکتا ہوں، لیکن آپ صبح بیٹھتے تو دوپہر میں محفل سے اٹھتے تھے، بلقیس رضوان کے پہنچنے میں بہت جلدی ہے اور یہ تخت لانے میں دیر ہو جائے گی، کہا نہیں اور جلدی چاہیے، بلقیس رضوان کے محل میں آنے سے پہلے میرے اٹھنے کے لیے تو اور دیر ہے، ان کے آنے سے پہلے تو بڑے بڑے طاقتور جن بھی خاموش تھے، ایسے ٹائم ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ولی رہے، مگر یہ ولی ہے نبی ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے، ایک ولی ہے انسان، انہوں نے کیا کہا قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفو، اے پیارے نبی میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اب اللہ پاک قرآن میں بیان کر رہا ہے اپنے حبیب سے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ قرآن کے اندر، اس سے معلوم ہوا نبیوں ولیوں کی عظمتوں کے قصے سینکڑوں سال پہلے بھی گزر گئے اس کے بعد بھی سنانا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اب ایک ولی کیا کر رہے اللہ پاک فرماتا، اس نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا کچھ نہیں دیا تھا، حضرت میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت کو لا سکتا ہوں، اب آگے اللہ فرماتا فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اب آپ فرماتے ہیں یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ میرا امتحان کرے، میں رب کے عطاؤں پر شکر گزار رہتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، تو آپ نے کہا میرا رب کا فضل ہے، کیا فضل ہے، میرے غلام کو یہ طاقت دے دیا ہے، میں نے کہا پلک جھپکنے میں سینکڑوں مزدور کا تخت لا لیا ہے، اب میں یہی کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، قرآن میں ہے اللہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سینکڑوں میل دور کے تخت کو ولی نے سلیمان علیہ السلام نبی کی دربار میں پلک جھپکنے میں موجود کر دیا، تو اب جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل دور کا تخت لا سکتے ہیں، تو ولیوں کے سلطان و سردار بغداد کے شہنشاہ حبیب پاک کے نواسے اگر وہ پلک جھپکنے میں اپنے غلام کو 16 میل کے 16 دن کے راستے پر لے جا کر ایک سیکنڈ میں لائیں تو کیا تعجب کی بات ہے، قرآن تو کہتا ہے یہ کام ایک ولی نے کیا ہے، یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، شک کی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جب بھی شبہ ہو وہ اللہ کے دوستوں کی شان جو قرآن نے بیان کیا اس کو پڑھ لو، انشاءاللہ شک کا اندھیرا دور ہو کر اطمینان کا اجالا دل میں چمکنے لگے گا، اس سے اللہ کے دوستوں کی عظمت و محبت قوی ہوگی، جتنی ان کی عظمت محبت قوی ہوگی ایمان ہمارا قوی ہوگا، اور ان کی زندگیاں سنتے پڑھتے رہنے سے ہم کو بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا، اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے والی بنا دے، ان کے ادب احترام کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، دھوکے باز نہ دھوکے سے بجا سکے نہ کوئی طاقت والا طاقت کے دور پر، آمین بجائے حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلاۃ و سلام کے لیے تمام حضرات کو